और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां रतनपुर कोटा मार्ग का पुल टूट गया। दरअसल मरवाही से संपर्क कट गया है, यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। चांपी नाले का टूटा हुआ पुल हाल ही में ये बना था, रतनपुर कोटा का पुल, दरअसल यातायात अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पुल के टूट जाने की वजह से मरवाही से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। और रतनपुर पुल की अगर बात करें तो ये पुल अभी कुछ ही दिन पहले शुरू किया गया था और कुछ ही दिनों में इसका ये हाल हो गया, धराशायी हो गया ये पुल। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, पुल बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं था लेकिन टूट गया, क्या इसके बारे में बताया जा रहा, आखिर क्या कारण रहे? देखिए आशीष, इस तरह के जब मामले प्रकाश में आते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य पर सवाल उठता है। और इस तरह की अगर जो व्यस्त मार्ग है और उसका पुल टूटा है तो जरूर ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं निर्माण में चूक हुई है और उसमें गुणवत्ताहीन जो काम है वो किया गया है। फिलहाल ये तमाम जांच का विषय है, लेकिन मरवाही और कोटा जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हुआ है। चांपी नाला में ये पुल बनाया गया है, अभी हाल ही में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। 8 करोड़ रुपए की लागत अलग अलग 8 पुल के लिए स्वीकृत हुई है। कुछ पुल का निर्माण अभी भी चल रहा है। ग्रामीण कुछ दिन पहले शिकायत भी जिला प्रशासन से किए थे कि पुल निर्माण में जो छड़ का उपयोग किया जा रहा है वो 10 mm का छड़ है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसे पुल जब निर्माण होते हैं तो 40 mm से कम का जो छड़ है वो नहीं लगता है। तो कई तरह के सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से मार्ग बाधित हुआ है और चांपी नाला पर ये बना पुल है उसके ढह जाने से, टूट जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित है, ये बात अलग है आशीष की जांच होगी, जांच के बाद कुछ लिपापोती भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी ये जो अव्यवस्था है उजागर हुई है और पूरी तरह से जो मार्ग है वो जो मरवाही से जो संपर्क है फिलहाल कटा हुआ है। देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन है, जो PWD विभाग है या फिर अन्य जो विभाग है, किस तरह से अन्य जो पुल का त्वरित आने जाने के लिए किस तरह के रपटा या पुल का निर्माण कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टा तो यही लग रहा है कि भ्रष्टाचार का कहीं ये भेद तो नहीं चढ़ गया। फिलहाल जांच का विषय है, जांच के बाद क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन अभी आवागमन बाधित है आशीष जी। युगल, जितनी इस मामले में लीपापोती हो रही है, इतनी अगर इस पुल की लीपापोती कर देते तो शायद ये पुल कुछ और दिन चलता। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, सागर से बड़ी खबर, खाई में ऑटो गिरने का मामला, 2 महिलाओं के इस हादसे में मौत हो गई, 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल बीना सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ, ऑटो में सवार महिलाओं में से 2 की मौत हो गई। दरअसल ऑटो में करीब 2 दर्जन लोग सवार थे, घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और ये ऑटो जिसमें काफी ज्यादा लोग थे और खाई में ये ऑटो पलटा और 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में आपको बता दें कि ऑटो खाई में पलट गया जिसकी वजह से 2 महिलाओं की जान चली गई। दरअसल 7 लोगों की हालत यहां चोट लगने की वजह से गंभीर बनी हुई है। बीना सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ था और ऑटो में करीब 2 दर्जन लोग सवार थे और इसमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हादसे के बाद की, वो तस्वीरें जो सागर से सामने आई, ऑटो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ सड़क से, सड़क के किनारे गहरी खाई में ऑटो पलट गया और 2 महिलाओं की मौत हो गई इस हादसे में। करीब करीब 2 दर्जन लोग इसमें सवार थे और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो जो ऑटो पलटा हुआ है उस ऑटो में करीब करीब 2 दर्जन लोग सवार थे। और इनकी हादसे के बाद की स्थिति क्या है इस पर भी डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, 2 की मौत हो चुकी है और बाकी को भी हल्की फुल्की चोट आई है। ऑटो खाई में पलट जाने की वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। बीना सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ है और ऑटो में करीब 2 दर्जन लोग सवार थे। बीना सागर मार्ग पर हुए इस हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई जबकि 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और 2 दर्जन के करीब लोग ऑटो में सवार थे। तो काफी संख्या में लोग ऑटो में सवार थे, ओवरलोड तो था ही ये, लेकिन तात्कालिक कारण क्या रहे ओवरलोड होने के अलावा, उस वक्त क्या कारण रहा जो ये ऑटो पलट गया, गहरी खाई में गिर गया और 2 महिलाओं की जान चली गई। हालांकि 2 दर्जन लोगों का ऑटो में सवार होना सवाल खड़े करता है। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के भाई की गुंडागर्दी का मामला सामने आया।
BJYM नेता के भाई की गुंडागर्दी सामने आई। घंटाघर चौक पर मारपीट के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई। पहले भी चाकूबाजी के मामले में ये जेल जा चुका है। सिविल लाइन थाना पुलिस की कार्रवाई और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उर्वा से इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के भाई की गुंडागर्दी का ये मामला और BJYM नेता का भाई पहले भी इस तरह के मामलों में जेल जा चुका है। पहले भी चाकूबाजी के एक मामले में गिरफ्तार किया था पुलिस से। सिविल लाइन थाना पुलिस का ये पूरा मामला जहां कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा और तस्वीरें जो उस विवाद के दौरान के सामने आई कोरबा से हम आपको दिखा रहे हैं। BJYM के नेता के भाई की गुंडागर्दी। और बढ़ते आगे, कोरबा से एक बड़ी खबर आई जहां बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। 12 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए। 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में इनका इलाज जारी है। करतला इलाके के हाटी के पास की ये घटना जहां बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। 12 से अधिक यात्री इसमें घायल हो गए। और हादसे की बात करें तो कोरबा से इस हादसे में बेकाबू पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की जानकारी मिल रही है, जिसमें 12 से अधिक यात्री घायल हो गए थे। 5 यात्रियों की हालत यहां गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में इलाज इनका जारी है। और करतला इलाके के हाटी के पास की एक दुर्घटना है। दरअसल बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 12 लोग करीब घायल हुए हैं। और हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। 12 से अधिक यात्रियों को चोट आई है हादसे के दौरान। 5 यात्रियों की हालत इसमें गंभीर बनी हुई है और मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इनका इलाज करवाया जा रहा है। और राज्यों के साथ मिलकर देश की प्राथमिकताएं और भावी आर्थिक और सामाजिक विकास की रणनीति बनाने के उद्देश्य से नीति आयोग की बैठक जारी है। नीति आयोग की इस बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के विकास का खाका खींचते हैं और विकास की जो रूपरेखा बनती है उसी पर अपने विचार सलाह बैठक में रखते हैं। वो विषय शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सभी आधारभूत संरचनाओं को लेकर होती है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार भी किया हुआ है और उससे अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या विकास पर राजनीति की आवश्यकता है और इस तरह से बैठक का बहिष्कार करना जनता के बीच क्या संदेश लेकर जाएगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें विकसित भारत 2047 में MSME पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण जो भी कदम है वो उठाए जा रहे हैं और विकास के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। भारत एट 2047 यानी जब भारत आजाद हुआ था उसके ठीक 100 साल बाद क्या भारत हो, कैसा भारत हो और उसकी हम क्या परिकल्पना करते हैं, उसके लिए आवश्यक कदम कैसे उठाए जाने, क्या महत्वपूर्ण विषय हैं, वो सभी यहाँ चर्चा में आते हैं। और कुछ लोग इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं और ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राजनीति और क्षेत्र के विकास के बीच आप क्या चुनना चाहते हैं।